हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट बिल्डर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडिया ए वर्सेस वेस्टइंडीज ए के बीच में होने वाले सेकंड टेस्ट मैच की, जो कि 4 दिन का टेस्ट मैच हो रहा है फ्रेंड इंग्लैंड में। तो फ्रेंड डोमेस्टिक मैच है फ्रेंड ये। तो फ्रेंड यहाँ पर इंडिया ए की टीम में बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है सेकेंड इनिंग में तो इंडिया की टीम में चेंज नहीं होंगे फ्रेंड, और वेस्टइंडीज की इनिंग में चेंज नहीं होंगे। तो फ्रेंड मुझे लगता है यहाँ पर चेंज होंगे। तो फ्रेंड बात करते हैं हम स्क्वाड की। तो आप फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना फ्रेंड, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि क्या इसमें चेंज हो सकते हैं। तो फ्रेंड पहली बात तो यह है कि ऋषभ पंत स्क्वाड में नहीं है। तो आप ऋषभ पंत जो कि ड्रीम इलेवन में सो रहे हैं उसको अभी भी 20% लोगों ने लिया हुआ है, तो आप प्लीज़ ऋषभ पंत को मत रखना, पर पंत स्क्वाड में नहीं है, ठीक है। तो आपको पंत को टीम में नहीं रखना है किसी भी टीम में। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है विकेट कीपर में, एक तो कोना श्रीकर भरत है और दूसरा है आपके पास डेवन थॉमस। तो फ्रेंड यहाँ पर आप स्क्वाड देख सकते हैं, 15 मैन का स्क्वाड है। पृथ्वी शाह, मयंक अग्रवाल, रवि कुमार समर्थ, करुण नायर, हनुमा विहारी, विजय शंकर, भरत, जयंत यादव, सदाब नदीम, अंकित राजपूत, नवदीप सैनी, अभिमन्यु ईश्वरन, अंकित बवाने, मोहम्मद सिराज एंड रजनेश गुरवानी। तो फ्रेंड ये इंडिया का स्क्वाड है एंड वेस्टइंडीज का स्क्वाड, आप खुद ही रीड कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर प्लेइंग ग्राउंड में मुझे लग रहा है कि चेंज इस बार जिस टाइप से वनडे सीरीज हुई थी इनकी, तो वहाँ पर इंडिया ने हर एक प्लेयर को चांस दिया था। तो इस टाइप पर भी इस मैच में भी फ्रेंड हर एक प्लेयर को चांस मिलने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर फ्रेंड मयंक अग्रवाल कल के मैच में रिस्की है, क्योंकि मयंक अग्रवाल पहले मैच में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, 68 रन की इनिंग खेली थी। बट मुझे लगता है कि इस मैच में अभिमन्यु ईश्वरन को पक्का मौका मिल सकता है फ्रेंड, पक्का भी नहीं बोलूँगा फ्रेंड, ग्रैंड लीग के लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे। बाकी अगर आप इस स्मॉल लीग में आप मयंक अग्रवाल को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर मयंक अग्रवाल पर रिस्क लूँगा। पृथ्वी शाह फ्रेंड कल के मैच में 100% खेलेंगे, क्योंकि 188 रन का इनिंग खेला था, जिससे कि इनका सेकंड टेस्ट खेलने की उम्मीद पूरी बढ़ गई है फ्रेंड, और यहाँ पर ये सेफ है। उसके साथ फ्रेंड यहाँ पर रवि कुमार समर्थ ने भी बहुत ही अच्छा 100 किया था पहले टेस्ट में, तो इनकी भी पोजिशन सेफ है। और करुण नायर तो फ्रेंड इस टीम के कैप्टन है, तो ये तो बिल्कुल ही सेफ है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर हनुमा विहारी का नंबर आता, तो मुझे लगता है कि हनुमा विहारी को ड्रॉप करके इस मैच में अंकित बवाने को भी मौका मिल सकता है फ्रेंड, जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है फ्रेंड, यहाँ पर बड़ौदा के लिए खेलते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर है अंकित बवाने। तो अंकित बवाने को 100% मौका मिल सकता है। उसके बाद आएंगे फ्रेंड यहाँ पर श्रीकर भरत, विजय शंकर को मौका मिल सकता है फ्रेंड, थोड़ा चांस तो है पर 70 या 80% चांस बोलूँगा विजय शंकर कल का मैच खेलेंगे। उसके बाद फ्रेंड नदीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और एकमात्र स्पिनर है जयंत यादव के अलावा, पर जयंत यादव ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो मुझे लगता है कि जयंत यादव को बाहर करेंगे, नदीम को अंदर करेंगे। और फ्रेंड मैं आपको भवाने के बारे में बता दूं, तो भवाने फ्रेंड कुछ ओवर स्पिन भी कर सकते हैं, तो अंकित भवाने फ्रेंड स्पिन बॉलर भी हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर साथ दे सकते हैं सदाब नदीम का। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आते हैं मोहम्मद सिराज, मुझे लगता है फ्रेंड इस बार नवदीप सैनी की जगह पर या फिर जो भी पेसर खेले थे पहले मैच में, तो वहाँ पर आपको मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर सिराज को मिलेगा फ्रेंड जयंत यादव की जगह पर खेलने का मौका, क्योंकि जयंत यादव ने फ्रेंड बहुत 6 रन लुटाए हैं पहले मैच में, तो मुझे नहीं लगता कि जयंत यादव को इस मैच में रिटेन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर गुरबानी को मौका मिल सकता है नवदीप सैनी की जगह पर, क्योंकि नवदीप सैनी का भी ज़्यादा परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था पहले मैच में। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर अंकित राजपूत ने अच्छे अच्छे विकेट लिए थे फ्रेंड, 5-6 विकेट लिए हैं टेस्ट मैच में, और अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो मुझे लगता है कि अंकित राजपूत यहाँ पर रिटेन कर सकते हैं ये वाला टेस्ट भी। और यहाँ पर बता दूँ फ्रेंड कि हेमराज खेलेंगे, ओपन आएंगे, यहाँ पर कैम्बल के साथ मैकार्थी को मौका मिल सकता है फ्रेंड, कैम्बल ने पहले मैच में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, तो यहाँ पर मैकार्थी को मौका मिल सकता है। हेमराज थोड़ा सीनियर प्लेयर, तो हेमराज को पक्का खेलने का मौका मिलेगा। उसके बाद आएंगे फ्रेंड जेम ब्लैकवुड, जो कि इनके सीनियर और मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो ब्लैकवुड को बिल्कुल ही टीम में रखेंगे। उसके बाद इनके कैप्टन है ब्रुक्स। जैसन मोहम्मद की फ्रेंड कोई खबर नहीं है, जैसन मोहम्मद स्क्वाड में शोर हैं बट वो है नहीं, मुझे लगता कि वो टीम के साथ हैं। यहाँ पर सुनील अम्बरीश खेलेंगे, फिर यहाँ पर डोमन थॉमस, रकीम क्रोनवाल, रेफर लेविस एंड वारिकन एंड होल्डर। तो मुझे लगता है फ्रेंड ज़्यादा वेस्टइंडीज की टीम में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करते हैं, जो मैंने यहाँ पर एक सेफ टीम बनाई है आप लोगों के लिए, और बाकी मैंने ग्रैंड लीग की टीम बनाई है फ्रेंड, ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल, मैं आपको सेफ टीम दिखा देता हूँ। सेफ टीम फ्रेंड मेरी ये रहेगी कि यहाँ पर मैं पृथ्वी शाह को कैप्टन करूँगा एंड अंकित
करुण नायर को वाइस कैप्टन करूँगा, जो कि बिल्कुल सेफ है मेरे ख्याल से। पृथ्वी शाह का तो मुझे लग रहा है 95% चांस है। बाकी उसके बाद वन डाउन आएंगे यहाँ पर रवि कुमार समर्थ एंड एम्ब्रिश को मैंने यहाँ पर फ्रेंड अपनी टीम में लिया है, एंड साथ में मैंने सामरा ब्रुक को लिया है फ्रेंड, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी यहाँ पर बैटिंग की थी। उसके बाद डेवन थॉमस को लूँगा फ्रेंड, क्योंकि डेवन थॉमस को दो बार बैटिंग करने का मौका मिल सकता है। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कमज़ोर है और वेस्ट इंडीज़ की टीम को दो बार बैटिंग करने का मौका मिल सकता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर रेफर को लिया है एंड होल्डर को लिया है, और यहाँ पर मैंने तीन इस पेसर ले लिया फ्रेंड, अंकित राजपूत, शादाब नदीम एंड मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज थोड़ा सा रिस्की रहेंगे सेफ टीम के लिए, बट मोहम्मद सिराज मुझे लगता है कि फ्रेंड कल का मैच 90% खेलने वाला है। तो आप मोहम्मद सिराज को बेहिचक अपनी स्मॉल लीग की टीम में आप रख सकते हो फ्रेंड। मुझे लगता है कि कल का मैच, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस कहती थी कि मोहम्मद सिराज कल का मैच खेलेंगे, नवदीप सैनी कल के मैच में बाहर बैठ सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पाएंगे नदीम जो कि 100% खेलेंगे एंड अंकित राजपूत जिनका खेलने का चांस अच्छा है। तो फ्रेंड ये तो हो गई मेरी सेफ टीम। यहाँ पर अगर मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन दूँ तो रवि कुमार समर्थ एंड यहाँ से एम्ब्रिश अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी यहाँ पर मुझे कोई ऑप्शन अच्छे लग नहीं रहे। तो फ्रेंड बाकी ऑप्शन मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको ग्रैंड लीग खेलनी है तो ग्रैंड लीग की दो टीमें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि कल के मैच में आपको ग्रैंड लीग जीतने का बहुत अच्छा चांस है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने एम्ब्रिश को खिलाया, रवि कुमार समर्थ, पृथ्वी शाह, अंकित भवान, ईश्वरन, रेफर को खिलाया फ्रेंड साथ में, एंड यहाँ पर गुरबानी को रख दिया है, और गुरबानी के बाद यहाँ पर सिराज, यानी कि पूरी मैंने टोटली टीम चेंज कर दी। तो आप ज़्यादा नहीं फ्रेंड 26 रुपये वाली जो लीग खुली हुई है आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि तो फ्रेंड आप 26 वाली जो लीग खुली है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरी 1, 2, 3, 4 प्लेयर मैंने यहाँ पर बिल्कुल नए नए रखे हैं फ्रेंड। तो आप यहाँ पर मैं आपको कैप्टन वाइज कैप्टन का ऑप्शन बता दूँ फ्रेंड, अंकित भवान बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ईश्वरन अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड, भवान बहुत ही अच्छे 100 करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप चाहो उनके रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर सिराज को रख दिया मैंने, गुरबानी को रख दिया, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड। दूसरी टीम मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा फ्रेंड कि दूसरी टीम ये होगी फ्रेंड, मैं इस टीम के साथ यहाँ पर खेलना पसंद करूँगा। यहाँ पर मैंने समर्थ को रख दिया, पृथ्वी शाह को रख दिया, ईश्वरन को रख दिया, गुरबानी, और इस टीम के साथ भी आप खेल सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के दो प्लेयर खिला दिए, एम्ब्रिश एंड हेमराज, तो आप इस टीम के साथ भी खेल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेंगे। तो फ्रेंड यही है इसमें, अगर आप कैप्टन वाइज कैप्टन अगर आप रखना चाहो तो पृथ्वी शाह, ईश्वरन को आप फ्रेंड पक्का दो टीम में कैप्टन रखिए कल के मैच में। मुझे लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिल सकता है कल के मैच में। तो फ्रेंड मैंने आपको अपनी टीम ऑलरेडी बताई थी, सेफ टीम बता दी, और ग्रैंड लीग की मैंने आपको टीम बता दी, पर ग्रैंड लीग में आपको अपने हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने आप सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको ग्रैंड लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन दे दूंगा तो सबके सब एक ही टीम बना देंगे और उससे रैंक क्लैश हो जाएगी फ्रेंड, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैंने आपको सेफ टीम दिखा दी फ्रेंड, ये आपके लिए सेफ टीम रहेगी कल के मैच में, आप इसे हेड टू हेड आराम से खेल सकते हो। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितना मुझसे हो सकता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड, मैं आपको ऐसी वीडियो ऑलरेडी देता रहूँगा। और डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं फ्रेंड, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारी टीम प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।